मेरे आयुष रे, कौन मांगेगा पिज्जा मुझसे, कौन मांगेगा। मम्मी रो रही है। बाय बाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? सो फ्रेंड्स, एक हफ्ता हो गया है और आज है वापसी हमारी गुड़गांव से पंतनगर। तो नहाना धोना हो गया है। हाँ, और तो नहाना धोना हो गया है, हम लोग हो गए तैयार, उसका नाश्ता चल रहा है। मुझसे ज्यादा इसको हो रही है, इमोशनल हो गया बहुत ज्यादा, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, वापस नहीं जाना है इसको। तो गाइस, हम जा रहे हैं पंकज के साथ। पंकज और पापा जी आ रहे हैं, उन्हें काम है बरेली में। तो बहना, एक हफ्ते पता ही नहीं चला यार, कितना कम टाइम मिला ना, बैठे बैठे ठंडे में ही निकल गए। नहीं यार, थोड़े दो तीन दिन तो घूमे ही हम लोग और पता ही नहीं चला कब एक हफ्ता बीत गया है। नेक्स्ट ईयर देखते हैं क्या होता है। वैसे टाइम आ रहा है, ठंडा भी ना हो तो आएगी। पंकज रेडी है, पंकज को ड्राइवर रेडी है हमारा। हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया भाई, अब आराम से जाएंगे हम लोग, ट्रेन के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। कुछ ज्यादा ही आराम से। हां, ट्रेन के धक्के क्यों सामान यहाँ पर पैक हो गया है, तैयारी। अच्छा नहीं लग रहा जाना। जय भगवान जी। आयुष को देखो कितना बुरा लग रहा है बेचारा। खुशी हो रही है, तो मैंने से दूर जा रहा हूं। मेरे आयुष रे, कौन मांगेगा पिज्जा मुझसे, कौन मांगेगा। आयुष दिखा नहीं रहा है इसको कितना दुख हो रहा है। इसका तो ये हग करने दे रहा है, नहीं तो ये छूने भी नहीं देता था मैं आपको। ये इसे हम लिफ्ट में पीटते हैं, लिफ्ट में पीटते हैं हम इसको, क्योंकि ये भाग नहीं पाता ना। हाँ चल भी, बाय बाय। पापा जी साथ में चल रहे हैं हमारे। ये सामान भी हमारा, ये कहाँ ले आ रहे हैं हमारे प्रोडक्ट है, हम इसे भी ले आ रहे हैं। ये देखिए इंदु, इसे हमने रख लिया था, ये बाहर निकाले, हमारा सामान नहीं है। सर मैं आराम से। ये हेलो गाइज, बोलो पहले। हेलो गाइज, आज मौसी जा रही है अपने घर। बोलो, अब मौसी अपने घर जा रही है। मौसी को बहुत याद आएगी समायरा की, मायरा की ना ना। मम्मी रो रही है। मैं नहीं रोती, ठीक है, ये थोड़ा बहुत होता है। आयुष बैठ वाली साइड से, भाइयों फिट टच करो, जल्दी से जाएगा। आयुष सामने से हट। आयुष बैठो, समायरा मारने जा रही है। बाय बाय, चलो नहीं हम आए। हाँ अभी हम मोंगा में आ रहे हैं लंच के लिए, और यहाँ पर अभी थोड़ा सा काम भी चल रहा है। आयुष
इसमें यहाँ पर बाहर के स्प्रिंग रोल और नूडल्स, आइस की आंखों में चमक, आइस की आंखों में चमक। दीदी को नहीं देखा क्या? हाँ दीदी बेचारी देख रही है, नहीं देना दीदी को। ये भी दे दो, ये दे, ये कुकुम्बर, ये टोमेटोस, नो नथिंग। खाने में है मिक्स वेज, दाल मखनी, बटर नान। तो फ्रेंड्स हम लोग बरेली पहुंच गए हैं और सामने है राममूर्ति हॉस्पिटल। शाम के 4 बज गए हैं। हम आए हैं पंकज के नाना जी को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स पिथौरागढ़ से नाना जी को यहाँ एडमिट किया हुआ है, उनसे मिल निकले हैं। यहाँ पे मौसी मौसा जी लोग आए हुए हैं और साथ में मामा जी भी हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली मैं रात के 11 बजे घर पहुंच गई थी, क्योंकि रास्ते पे बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था, इसलिए आराम आराम से गाड़ी चला रहे थे पंकज। अभी सवेरे के 9 बजने वाले हैं और बाहर देखिए आयुष और पंकज की चल रही है बैडमिंटन। ये देखिए यहाँ का मौसम, कोहरा, और इसी में ही बैडमिंटन का आनंद ले रहे हैं दोनों के दो। आइस की ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे। पंकज कितना ठंडा लग रहा है यहाँ? गर्म हो रहा है। ठीक लग रहा है, अभी तो खेल रहे हो ना इसलिए। अभी 2-4 दिन यही रुक जाओ, अब आयुष अच्छे से मैच ये बैडमिंटन सीख लेगा। हाँ ये देखिए आज का मौसम। हाँ पंकज को निकलना है टाइम से गुड़गांव के लिए, तो मैंने यहाँ पर आलू मैस करके रख दिए हैं, पराठे बनाएंगे हम लोग। रानिया हेलो गाइस, ये देखिए रानिया के लिए आइस लेके आए, क्या बोलते हैं इसको, बॉलिंग। अच्छा यहाँ नाश्ता चल रहा है, पंकज को जाना है क्योंकि कॉल है 12 बजे, गुड़गांव तक पहुँच जाएंगे तो अच्छा है। पराठे और खीर, आइस चिली पनीर खा रहा है। कल रात बेचारा सो गया था ना, बहुत ज्यादा थक गया था, है ना। इतना काम किया ना इसने कल, कहीं रुके थे कल? हाँ पार्टी करी है, तुझे पता ही नहीं? हाँ हम रेस्टोरेंट में रुके, तुझे हमने गाड़ी में सुला दिया था। वेलकम भी तो गए। अरे मैंने कहा घर में पनीर तो मंगाया ही है, सवेरे खा लेगा, कोई बात नहीं। हाँ खा, ये भी नहीं खाया जाएगा, फिर अच्छे से गले में अटकेगा तेरे। खा ले। आ गया रानी खेला। अरे आइस क्यों परेशान कर रहा है, तो निकल रहे, चलो फिर पंकज निकलो तुम। हाँ चलो फिर। हाँ गाइस पंकज के पापा जी रात ही को पिथौरागढ़ चले गए थे मामा जी लोग के साथ, अब वो कुछ दिनों बाद आएंगे गुड़गांव, फिलहाल अभी पंकज जा रहे हैं अकेले। गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।